कोरोना वायरस के चलते भारत की कई सारी कंपनीज के शेयर के दाम गिर रहे थे और इसका फायदा हमारे पड़ोसी मुल्क उठा रहे थे। शेयर प्राइसें गिरने के कारण कई सारे कंट्री जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारी कंपनीज में शेयर खरीद सकते थे और कईयों ने खरीदे भी लाखों करोड़ों की संख्या में। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले न्यू अखबार में आया था कि HDFC बैंक में चाइना ने इन्वेस्ट किया है और अपना शेयर्स खरीदे हैं, इन्वेस्टमेंट किया है, अपना स्टेक बढ़ाया है। और ये बहुत ही चिंता का विषय था क्योंकि हम इस समय वल्नरेबल टाइम्स में हैं। ऑब्वियसली इकोनॉमिक स्लोडाउन हो गया है, कोई इंडस्ट्री चल नहीं रही है, तो कोई भी मुल्क और कोई भी सिटीजन कॉरपोरेट आकर के हमारे सस्ते शेयर खरीद सकता है एंड देन जो है वापस बढ़ जाएंगे तो उसको बेच देगा या नहीं भी बेचेगा, कम से कम उसका कंट्रोल रहेगा हमारी इंडियन कंपनी या इंस्टीट्यूशन के ऊपर। तो इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने 2 दिन पहले एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और हमारी FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उसके रूल्स रेगुलेशन चेंज किए हैं। पहले हुआ करता था ऑटोमेटिक रूट, यानी कि कई सारे क्षेत्रों में कोई भी कंट्री, कंपनी, एंटिटी या फर्म बिना भारत सरकार की मंजूरी के सीधा इन्वेस्ट कर सकती थी उस कंपनी में। बाद में ऑफ कोर्स बस इन्फॉर्म करना पड़ता था, लेकिन अब ये ऑटोमेटिक रूट हट गया है और अब अप्रूवल रूट आ गया है, यानी कि किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्ट करने से पहले उसको भारत सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये रूल लागू किया है इंडिया के सारी नेबरिंग स्टेट्स, नेबरिंग कंट्रीज के साथ, जैसे कि चाइना, बर्मा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका एक्सेट्रा। तो अगर इनमें से भी कोई देश है और उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना है किसी भी सेक्टर में, तो पहले भारत सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी और अगर परमिशन डिनाई हो गई तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। साथ ही में बस ये नहीं कहा है कि बस ये कंट्रीज नहीं कर सकती, बल्कि ऐसी कोई भी कंट्री, कंपनी, कॉरपोरेट या पर्सन नहीं कर सकता है जिससे फाइनल फायदा इनमें से किसी कंट्री या उसके सिटीजन को पहुंचे। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता था कि फॉर एग्जाम्पल अगर चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, तो वहां का कोई भी पर्सन हांगकांग के थ्रू या सिंगापुर के थ्रू या किसी भी और कंट्री के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता एंड देन, लेकिन अल्टीमेटली फायदा तो उन्हीं को पहुंचता। तो इस को भी मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने सिर्फ रिस्ट्रिक्शन उन नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर नहीं, बल्कि अब फाइनल फायदे वाली बात को सोच करके रिस्ट्रिक्शन का दायरा काफी बढ़ा दिया है, ताकि इन मुश्किल के दौर में जब इंडिया की इकोनॉमी वल्नरेबल है, कई सारी कंपनीज के शेयर के प्राइसेस गिरे हुए हैं, तो कोई भी उसका नजायज फायदा नहीं उठा सके। सो वी शुड ऑल थैंक द इंडियन गवर्नमेंट फॉर दिस वेरी वंडरफुल चेंज इन द रूल्स एंड पॉलिसी। दिस इज द एडवोकेट केशव दत्ता साइनिंग ऑफ फ्रॉम लिटिगेशन इन प्रैक्टिस।